हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो क्या आप सबसे पहले पढ़ते हैं बनाने की प्रयोगशाला विधियां। प्रयोगशाला में या दो विधियों द्वारा बनाई जाती है। नंबर एक, क्रिस्टलीय बेरियम परऑक्साइड की कम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर H2O2 प्राप्त होते हैं। क्रिस्टलीय बेरियम परऑक्साइड की कम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर H2O2 प्राप्त होता है। तो लिखते हैं क्रिस्टलीय बेरियम परऑक्साइड BaO2 × 8H2, यानी इसमें क्रिस्टल जल होता है, इसलिए कहते हैं क्रिस्टलीय बेरियम परऑक्साइड BaO2 × 8H2O। और इसमें करा दो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, H2SO4 जो लिया है ये क्या है, तनु है, ये तनु क्या है। यहां से O2 निकालो, यहां से H2 क्या निकला, H2O2। हमें क्या मिल गए, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब क्या है, H2O जो क्रिस्टल के रूप में है वो अलग हो जाता है। अब क्या बचा, Ba यहां बचा, SO4 यहां बचा, तो क्या बना, BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो पहला हो गया क्रिस्टलीय बेरियम सल्फाइड पर ओ क्रिस्टलीय बेरियम परऑक्साइड के तत्व के कम से क्रिया कराने पर H2O2 प्राप्त होते हैं। BaO2 × 8H2O + H2SO4, ये तो H2O2 + BaSO4 + 8H2। नंबर 2 है सोडियम परऑक्साइड के तत्व के कम से, अगर सिर्फ बेरियम के बजाय सोडियम परऑक्साइड के तत्व के कम से क्रिया करा दो तब ही क्या है, H2O2 प्राप्त होते हैं। इसका रिएक्शन लिखते हैं Na2O2, ये सोडियम परऑक्साइड का रूप है, काहे का है, सोडियम परऑक्साइड। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वही लिए, क्या निकला, यहां से H2 निकाल दो, यहां से O2 क्या निकला, H2O2 + Na2SO4 अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक विधि, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि किसे कहते हैं, तो क्या है, हम 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन का स्वतः ऑक्सीकरण कराने पर 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होती है। तो 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन का स्वतः ऑक्सीकरण कराने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होती है, साथ में मिलता है 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन। अब देखते हैं इसका सूत्र होता है, इसमें 3 बेंजीन रिंग होती है, 1 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, अब क्या है, तीसरी बेंजीन रिंग। यह सूत्र क्या है, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन का है, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन का, यहां पर H लगा दो और यहां पर H लगा दो, 3 बेंजीन रिंग में OH ऊपर OH नीचे, यहां से ट्विन है। तो एथिल एन्थ्राक्विनोन का स्वतः ऑक्सीकरण कैसे करा दो, O2 की काय की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में, चाहे इसको पे रख लो पेरिडियम। अब क्या है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यहां से हाइड्रोजन निकलता है, यहां से O2 क्या निकला, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो प्राप्त करना, और साथ में क्या प्राप्त हुआ, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन बन गया, क्या बन गया, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन बन गया, यहां क्या है, C2H5, यहां क्या हो गया, जब ऑक्सीजन केवल है गया तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हो गया, 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 ये हो गया। तो क्या है, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन का क्या करा दिए, स्वतः ऑक्सीकरण करा दिए, तो क्या बन गया, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसका क्या नाम है, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन, और इसका क्या है, 2-एथिल-एन्थ्राक्विनोन, और क्या है, ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर क्या है, ये उत्क्रमणीय स्वतः ऑक्सीकरण, ये अगर क्या है, हम हाइड्रोजन कर दें, हाइड्रोजन कर दें, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी होती है, तो ये क्या हो सकती है, जैसे हम यह लिख दें O2 अगले क्या है, पैलेडियम उत्प्रेरक, और क्या है, H2, अगर क्या है, इसमें हम H2 जोड़ दें तो पुनः ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा,
अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का संघनन कैसे करते हैं। तो जो उपरोक्त प्राप्त हुआ था हाइड्रोजन परऑक्साइड लगभग उसकी क्षमता थी 30%, यानी इसमें कितना था केवल 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड था, बाकी जल था। तो क्या है उपरोक्त प्राप्त हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्षमता लगभग कितनी होती 30%, हमें क्षमता पूरी पूरी चाहिए। तो क्या उपरोक्त प्राप्त हाइड्रोजन सल्फाइड की क्षमता लगभग 30% होती है, तो इसका क्या करते हैं निर्वात आसंपर्क, इसमें क्या निर्वात पंप लगा होता है। तो क्या है उपरोक्त प्राप्त हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्षमता लगभग 30% होती है, इसका पहले क्या करते हैं 15 mm दाब, यहां से दाब कर देते हैं निर्वात पंप है 15 mm दाब और 60°C का, यहां थर्मामीटर है, यहां 60°C ताप पर आसवन कराते हैं, पर जो जल की अधिकांश मात्रा वाष्पित होते चली जाती है। अब क्या है 90% यहां हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। तो उपरोक्त प्राप्त हाइड्रोजन परऑक्साइड की क्षमता 30% होती है, इसका 15 mm दाब और 60°C ताप पर क्या कराने पर आसवन कराने पर लगभग 90% क्षमता का हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। कहां प्राप्त होगा यहां, क्योंकि जल की मात्रा बाकी वाष्पित हो जाती है। अब जो ये विलयन बचा है इसका क्या है हम पुनः कम दाब पर इसका क्या कराते हैं प्रभाजी आसवन कराते हैं कई चरणों में, बार बार प्रभाजी आसवन कराते हैं। तो कई चरणों में प्रभाजी आसवन कराने पर 90 से 99% हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है।